उजरा का एक था बंदा, उसका नाम मकबूल था, मोटा बहुत था। अपने आप को जब कहते आपका नाम, कह रहे मेरा नाम मकबूल मोटा है। मकबूल खुद मोटा कहता था, मकबूल मोटा है मेरा नाम। अच्छा, उसको कोई साथ सफर में नहीं रखता था। उसके दो मसाइल थे, खाता था और लैटरिन में जाता था। वो कहते ये इसका काम यही है, खाता है। मैंने खुद मेरे साथ खा रहा था, खाते खाते फिर थक गया, फिर ये कोहनी यूं रख के फिर यूं खा रहा है बैठा ना, थक गया। अच्छा, उसकी कमीज और शिलवार का ढेर लगा हुआ होता था, शिलवारें बदलता था, कमीजें बदलता था, कपड़े फिर मशकूक हो जाते थे, पता नहीं क्या कहानी थी। वो मोटरसाइकिल पे सफर करता था, फैसलाबाद से लाहौर, फैसलाबाद से उधर। क्यों? बस के अंदर आ नहीं सकता था, कोच के अंदर नहीं आ सकता था, गाड़ी के अंदर नहीं आ सकता था, बहुत मोटा था। था बड़ा नेक, बहुत नेक था, अल्लाह वाला था बेचारा। जहर हिस्सा बकदर जो सा जितना खाता था, बहुत खाता था, बहुत खाता था, पर उतनी देर निकालने में भी लगता था। आखिर जहर है, उसे कोई सफर नहीं रखता। कहने लगे एक सफर में जाना था तो मुझे हम सफर, कहने लगे हम तुझे साथ नहीं ले जाते। सफर खैर का था, रूहानियत का था, रूह का था। मेरा जी चाहे मैं इनके साथ जाऊं, कहने लगे हम नहीं ले जाते। तूने दो ही काम तो सारे करने हैं, हां तीसरा काम सोना। पर तीन काम थे उसको। कहने लगे अच्छा, रोता बहुत था, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता बहुत था, रोता था। मेरा यार था मर गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, रोता था। कहने लगा मुझे उन्होंने कहा नहीं ले जाना। मैंने क्या किया? अब सुने मकबूल मोटे का अमल जो उसने मुझे खुद बताया। कहने लगा मैंने ना रात को बैठा और ऐसे करके या कहा रो या कहा या, मैंने कैसे किया? वो एक तो वजद में आ गया, विजदान में आ गया। मैंने कहा कैसे पढ़ा था? उसने या कहा, कहने लगा मैंने पढ़ा और रोया, हाय 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 रोया और गिड़गिड़ाया और भिखारी बना। जब दिल की तारें हिलती हैं फिर अर्श की तारें हिलती। देख लो ये फकीर का मोती है। जब दिल की तारें हिलती हैं फिर अर्श की तारें हिलती हैं और वहीं से ऑर्डर जारी होते हैं, इसके हक में फैसले फरिश्तों, कर दो कर दो कर दो। मजलूम की दिल की तारें ही तो हिलती हैं, अर्श को हिला देता है। मैं रात को रोया और या कहा रो या कहा रो या, हालांकि मैं उन्हें या कहा रो के फायदे नहीं बताए, वो अपना वहां क्या सुना रहा था। मैंने पढ़ा, सुबह वही मुझे ढूंढते फिर रहे थे। एक ही रात में फैसला हो जाता है या कहार का। अगर कोई कराने वाला हो मकबूल मोटा मोटे जैसा, दीवाना पागल जिसके अंदर विजदान हो, हाँ ढूंढते फिर रहे थे। ओ भाई पैन मकबूल, पैन पहले होता था भाईजान, फिर होता था भाईजान, अब हम बन गया पैन। अल्लाह जाने कहां से आया, मुझे पता नहीं, मैं तो परदेशी आदमी। पैन मकबूल, तू जैसे कहेगा तेरी मानेंगे, हमारे साथ चलता। पैन मकबूल, तू जैसे कहेगा तेरी मानेंगे, हमारे साथ चल। एक ही रात में या कहारों ने अर्श से फैसले बदलवा दिए। और जिस दुर्वेश बड़े ने कहा था कि ठीक है ये साथ ना जाए, उस दुर्वेश की मिन्नत करके कहा कि अल्लाह के वास्ते इजाजत दे दे उसको साथ ले जाना है, सारे उनके पांव पड़ गए, मिन्नतें की। उन्हें कहा ठीक है, अगर आपके साथ वो जाता है तो मेरी तरफ से इजाजत है। और अब मकबूल मोटे की मिन्नतें कर रहे हैं, पहले मकबूल मोटा मिन्नतें कर रहा है। पांच सौ पलटा तिलकल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन्नास,
हालात बदले। क्यों? मकबूल मोटे ने अर्श से फैसले करवाए थे, अर्श के फैसलों को फर्श वाले कैसे बदल सकते।